मैं हूं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में अलग अलग दलों की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। और राजनीति है तो राजनीति होगी ही, चुनाव है तो राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ेगी। इन्हीं राजनीतिक दलों में से एक नाम है MIM। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, एक ऐसी पार्टी जिसने बिहार विधानसभा में एंट्री मार दी है। बिहार विधानसभा में इसके एक सदस्य चुनाव जीतकर आ चुके हैं और इसी MIM ने यह घोषणा कर दी है कि वो भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सीटों का ऐलान कर दिया गया है। यह महागठबंधन विशेष तौर पर RJD और कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा फैसला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ओवैसी की लोकप्रियता बिहार के कुछ हिस्सों में मुस्लिम युवाओं में बढ़ती जा रही है, उससे लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूती और सक्रियता के साथ बिहार विधानसभा के चुनावों में उतरती है तो उन 32 सीटों पर तो जरूर महागठबंधन को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जिसकी संभावना पहले भी कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जताई है और हम भी कह रहे हैं, क्योंकि इन जिन 32 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार लड़ने हैं उनमें से 16 सीटें राजद के पास हैं, 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 4 सीटों पर JDU के विधायक हैं और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 32 सीटों पर ही ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 32 सीटों पर तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, बाकी की सीटों पर वो समान विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन करने पर विचार कर रहे हैं। मतलब कि गठबंधन भी होगा, MIM अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बाकी कई सीटों पर, या कह सकते कि बिहार की 243 में से बची हुई सीटों पर ये किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ समझौता करेंगे। यानी कि करीब करीब तमाम सीटों पर महागठबंधन को बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज लोकसभा सीट पर MIM के उम्मीदवार ने कांग्रेस और JDU के कैंडिडेट को जबरदस्त टक्कर दी थी और बहुत कड़े मुकाबले में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी। और उसके बाद जैसे ही विधानसभा का उपचुनाव हुआ किशनगंज सदर सीट पर, तो वहां MIM के उम्मीदवार कमरुल होदा ने बड़ी शानदार जीत हासिल की। इसके बाद से तो बिहार में MIM का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन सीटों पर MIM के चुनाव लड़ने हैं, जिन सीटों पर MIM के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे उनके नाम इस प्रकार से हैं: बलरामपुर, बरारी, अमौर, बायसी, जोकीहाट, समस्तीपुर, महुआ, बेतिया, बाजपट्टी, फुलवारी, रामनगर, ढाका, परिहार, औरंगाबाद, दरौंदा, सिमरी बख्तियारपुर, बिस्फी, वजीरगंज, कदवां, चैनपुर, इमामगंज और बोचहां जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें से तो कई सीटें बिहार की VVIP सीट का भी दर्जा रखती हैं। बावजूद उसके MIM ने अपने पूरे दमखम के साथ यहां अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है, जो निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए बड़ा टेंशन और सिरदर्द की तरह है।